सामने गाड़ी खड़ी है हमारी सानिया एक्सप्रेस, ये हमने जो है टिकट परचेज कर ली है और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए। सामने फैसल मूवर्स है, इसके साथ सानिया एक्सप्रेस है, सेम ही है, लेकिन मैंने फैसल मूवर्स से पहले ट्राई किया हुआ है। अभी मैं काफ़ी अच्छे बार ट्रैवल कर रहा हूँ सानिया एक्सप्रेस में, फ़र्स्ट टाइम ही। इसकी बिजनेस क्लास की सीट्स आपको दिखाते हैं, इसकी गहना दिखाते हैं कि क्या इनकी जाना सर्विसेज हैं, क्या फेयर है, ये आप देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव की जो सीट है वो 1920 है, बिजनेस क्लास की 2550 रुपये, और देखते हैं क्या रिफ्रेशमेंट देते हैं, क्या हिसाब किताब है इनका, कैसी सर्विस है, किस टाइम चलती है, कितने बजे पहुंचाती है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेवन नंबर हमारी सीट है, अरे मैं आके बैठ चुका हूँ सीट के ऊपर। पहले ये हुआ था कि जी मैंने सामने से फैसल मूवर्स के काउंटर से सीट पर पता की कि भाई मुझे टिकट चाहिए और बिजनेस क्लास की चाहिए, उन्होंने कहा बिजनेस क्लास नहीं है, फिर उन्होंने मुझे इकॉनमी की सीट दे दी। मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ देखा बिजनेस क्लास तकरीबन खाली है, देखिए अभी भी खाली है सीट्स, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर खाली है तो मुझे सीट दे दें। फिर उन्होंने मुझे सीट जो है ना इस काउंटर है जो सानिया एक्सप्रेस का काउंटर, उन्होंने मुझे सीट चेंज करके बिजनेस क्लास की दे दी। पहले आप देख सकते हैं 1920 में ने फेयर दिए और अब 2550 रुपये फेयर है इसका। डिपार्चर टाइम ही आप देख सकते हैं, जो इन्होंने टिकट दिया उस पर भी मेंशन है 9 बजे। नहीं जी मुबारक हो, बस हमारी रवाना हो चुकी है। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। देखिए 9:21 हो चुके हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें जब आप रवाना हों कहीं भी सफ़र के लिए तो आप ज़रूर जो है अपना दुआओं का एहतमाम किया करें। ये बस कहाँ पर आ गई है यार, ये काम आप लोगों को अभी याद आते हैं? काम हो गया तो पहले नहीं पता आप लोगों को, घंटे से गाड़ी खड़ी है और अब आप लोग ड्रामे कर रहे हैं यहाँ पर। देख रहे हैं जो पैसेंजर भी बोल रहे हैं, आधा घंटा हो गया आप लोग लेट हैं यहाँ से, अब आपको हवा याद आ रही है, वजन आप लोग पहले सोए हुए थे तो आप लोग सोए हुए थे पहले 9 बजे से पहले आपको याद नहीं था, एक घंटा हो गया गाड़ी खड़ी थी 9 बजे से लेके 8 बजे से लेकर 9 बजे गाड़ी खड़ी थी और आप लोगों को हवा याद नहीं आई, अब 22 मिनट हो गए आप लोग लेट और आपको हवा याद आ गई है। मैडम हमने टाइम आगे भी तो देख रहे हैं ना, बात 2 मिनट की नहीं है मैडम, बात जिम्मेदारी। बसों का समंदर खड़ा है यार, समंदर। आज की वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे जी इनका सारा सिस्टम, जहाँ से पेट्रोल शेट्रोल डाल रहे हैं, मशीनें लगी हैं, ये इनकी वर्कशॉप है, मेंटेनेंस वर्कशॉप है, गाड़ियाँ बसें रिपेयर भी होती हैं, फ्यूल वगैरह यहीं से रिफिल कर रहे हैं बसों में, हवाएं शवाएं सारी यहीं से। नौ 31 में हमने रावी टोल प्लाजा जो है हमने क्रॉस किए और अभी हम एग्जैक्ट मोटरवे के ऊपर आ चुके हैं, अब हम टाइमिंग का बेहतर अंदाज़ा होगा कि हम कितने बजे पहुंचते हैं। काम डाउन करने के लिए बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स को पानी की बोतल दी गई है, हमारा स्नैक बॉक्स भी आ चुके हैं, फ्रेश एंड टेस्टी सानिया एक्सप्रेस, उसकी सील लगी हुई है, एक्सपायरी भी लिखी है इसके ऊपर, डेट ऑफ मैनुफेक्चर भी लिखी है, देखते हैं जी मैनुफेक्चरिंग किस डेट की है ये, मतलब आज ही इसकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग है और
चाहिए कोक, सेहत के लिए भी सही नहीं है और वैसे भी बॉयकॉट करना चाहिए इनका, इसराइली प्रोडक्ट्स का। मैंने असल में सुबह नाश्ता नहीं किया था क्योंकि मुझे एमरजेंसी निकलना पड़ा, तो मुझे तो काफ़ी भूख लग रही है। इसको देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या दिया गया। एक टमाटो केचप का पैकेट है, एक ये बन टाइप है और साथ एक छोटा पैकेट केक का। इंतहाई सॉफ्ट और बहुत फ्रेश। मैंने कभी, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, मैं मीठा या केक वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाता ज़्यादा, लेकिन बहुत कमाल का है, बहुत आला, बहुत मज़ेदार केक है। मैं इनका यूज़ तो नहीं करता, लेकिन मुझे इन्होंने जाना ये दिए हैं भी हेडफोन, तो मैंने ले लिए आप लोगों को इसका रिव्यू बताने के लिए। फैसल मोबाइल इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्वालिटी वाइज तो कुछ बेहतर लग रहे हैं, लगा कर चेक करते हैं कैसा साउंड है इनका, आपको बताते हैं कि भाई हेडफोन कैसे मिलते हैं आपको सानिया एक्सप्रेस में। अच्छा साउंड है, बेहतर है इस्तेमाल के लिए। बस इस टाइम हम मौजूद हैं भेरा सर्विस एरिया क्यामोताम पर और ये यहाँ का मंजर है। टेम्परेचर इस टाइम यहाँ का 39, कन्फर्म बायकॉट होना चाहिए मैकडोनल्ड्स का, KFC का, सिंपली सूफी पाकिस्तानी ब्रांड है, इस पर जाना चाहिए आपको। ये देखिए एक नया मॉल टाइप बन गया कोई। खूबसूरत मौसम, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत मौसम बना हुआ है। एक बजकर 31 मिनट पे हम जो है इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा पर पहुँचे हैं। अभी जो हम पहुँच चुके हैं रावलपिंडी और टाइम हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1:51, 1:55 हो चुके हैं। हम 9:20 पर रवाना हुए थे, 4 घंटे का टाइम है, 4 घंटे में इस जो है ना हमें बस को उतारना चाहिए था इस, क्या कहते हैं ये जो टर्मिनल है अभी मोटरवे स्टॉप वाला, तो यहाँ पर जो है बस पहुँची है 1:50 पे, तो इसको 1 बजे यहाँ पहुँचना चाहिए था। तकरीबन 50 से 55 मिनट बस लेट है और अभी मैं जा रहा हूँ फैज़ाबाद वाले टर्मिनल पे, क्योंकि मैंने वहाँ उतरना है, तो मैं वहाँ उतरूँगा। अब देखते हैं वहाँ पहुँचने में मज़ीद कितना वक्त लगता है, कम से कम आधा घंटा वहाँ पहुँचते पहुँचते लग जाएगा। 2:22 हो चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं फैज़ाबाद। अच्छा जी, मैं अभी पहुँच चुका हूँ इस्लामाबाद पिंडी और हमने 9:20 पर अपना सफ़र स्टार्ट किया था और तकरीबन 2:20 पे हम पहुँचे हैं फैज़ाबाद। तकरीबन 5 घंटे बनते हैं बस को, 4 घंटे जो है 4 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटा ये लेट है। सर्विस अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस है, सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं और हर चीज़ गाड़ी की, मतलब है ना, सर्विस के हवाले से मैं कहूँगा कि उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन गाड़ी ने लेट पहुँचाया, वहाँ से भी लेट निकली, लाहौर से भी 20-25 मिनट लेट जो है ना लेट रवाना हुई है और यहाँ पर ये तकरीबन 1 घंटा लेट पहुँची है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको जो है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नमाज की पाबंदी करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।